करें। हेलो गाइस, तो आप सबका वेलकम है एक और नए गेम प्ले में। और इस वाले गेम प्ले में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। मतलब कि यार ऑब्वियसली बात है भाई, इस गेम प्ले में भी तबाही होगी। क्यों यार, तबाही नहीं होगी तो मैं गेम प्ले क्यों डालूंगा। तो यार इस गेम प्ले में बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। और उससे पहले मैं तुम्हें बता रहा था, अपने 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और हो सकता है जब तक तुम वीडियो देखो तब तक पूरे भी हो चुके होंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई नीचे रेड कलर का बटन दिया गया, उसे प्रेस कर लो और फिर बन जाओ हमारे फैमिली का हिस्सा। और मुझे पता है मैंने बोला और तुम कर भी लोगे। और साथ साथ मैं लाइक के लिए भी बोल देता हूँ, क्योंकि यार मैंने सब्सक्राइब के लिए बोल रहा तो लाइक के लिए भी बोल देता हूँ। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर लेना। और आज हम यहाँ पे उतरे थे फैक्ट्री में, और लिटरली फैक्ट्री में कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम अच्छे से लूट मिल जाती और फिर यहाँ से बग्घी उठा के फिर चलते थोड़ा आगे की तरफ। आगे की तरफ से मेरा मतलब था हम लोग चले जाए मतलब स्टेडियम की तरफ। और इससे पहले यहाँ पे मैं बोट मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं इसको सीधा नॉक करता हूँ। और मेरा टीममेट तो मतलब कि पता है ना, मेरे साथ ही रहता है ये, तो इसको भी समझ में भाई ड्राइविंग आती है थोड़ी बहुत। और देख लो मेरे टीममेट के सस्ते से मतलब कि बग्घी पीछे ला के रोक देता, जबकि फायरिंग साउंड तो आगे की तरफ से आ रही थी। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि गधे आगे ले, और फिर ये तो ड्राइविंग भी मुझे दे देता है। और यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूँ और लिटरली यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, मतलब कि दिखता था फायरिंग साउंड आती है हम पे। और लिटरली मुझे यहाँ पे बंदा तो शो नहीं होता, लेकिन मुझे पता था कि बंदा इस तरफ है। और जैसे यहाँ पे मैं आगे की तरफ आता हूँ यहाँ पे मुझे बंदा शो जाता है। और यहाँ पे मैं इसको सीधा नॉक करता हूँ, और लिटरली यहाँ पे दो स्क्वाड होती है। और लिटरली मुझे पता नहीं था को कौन बनता कौन सी स्क्वाड का, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सीधा नॉक करता हूँ। और हाँ, इसको यहाँ पे सीधा फिनिश भी करते हैं। और फिर मेरे जो टीममेट होता है उसकी फाइट हो जाती है दूसरी स्क्वाड के साथ। और देखना यहाँ पर मेरा जो इंटरनेट है वो कितना ज़्यादा ओपी चल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओपी चल रहा है मेरा इंटरनेट। और यहाँ पर मेरा जो टीममेट होता है वो भी पिट जाने वाला है। और यहाँ पर मैं एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ जो कि दूसरे स्क्वाड का था, मतलब कि एक स्क्वाड तो यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने एक और बंदे को डाउन कर दिया। और फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा स्प्रे आता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कवर में आ जाता हूँ। और यहाँ पे लिटिल मेरे पास ओनली बैंडेज थी, और यहाँ पे मैं एक दो बैंडेज मारता हूँ और फिर यहाँ पर इसे फाइट लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। अब मेरा टीममेट यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो बंदा होगा वो अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसका घुस जाता हूँ। लेकिन देखना वो बंदा होगा वो रिवाइव हो गया होगा, लेकिन देखना फिर भी मैंने उस सिचुएशन को कैसे संभाला। और यहाँ पर लिटरली ये बंदा रिवाइव हो गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा कि ये बंदे दो कैसे आ गए। और यहाँ पे मैंने इसको सीधा यहाँ पर नॉक किया, और देखना दूसरे बंदे को मैं एश्लो को चिपका देता हूँ। और भाई साहब इसी तरह स्क्वाड भी वाइप हो जाती है। और यहाँ पर अगर तुमने थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी तो यहाँ पर मेरा टीममेट का यही रिएक्शन था कि भाई मिल गया तुझे कॉन्टेंट। और ये वाला क्लच देखकर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, लाइक कर लेना, मतलब कि तुमने अभी तक कर ही लिया होगा वैसे। और यहाँ पर और भी स्क्वाड थी, लेकिन मेरा जो टीममेट बोलता है कि भाई बोर्ड फायरिंग करके उनको बोला, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मौत को दावत नहीं दे सकता था, क्योंकि यार यहाँ पर लिटरली मैं सोलो था। और भाई वो बंदे चारों को चारों आ जाएंगे और लिटरली मुझे पेल देंगे, क्योंकि यार ये जो लॉबी है मतलब कि क्राउन और गोल्ड की लॉबी नहीं है, क्योंकि ये जो लॉबी है वो ऐसे या फिर कॉन्करर की है। तो यहाँ पर 1v4 करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना कि आपको दिखाया जाता होगा यूट्यूब वीडियो के अंदर दिखाया जाता है। यार छोड़ो, और वैसे सबको व्यूज चाहिए, और भाई बंदे व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी दिखा सकते हैं आपको। अब मैं यहाँ से व्हीकल उठा कर चलता हूँ मतलब कि सेंट्रल रोड की तरफ, मतलब कि मैं सेंट्रल रोड के अंदर तो नहीं जाता, यहाँ पर सेंट्रल रोड के जो ऊपर वाले जो पहाड़ी थी यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे बंदा शो हो जाता है एक, और देखना यहाँ पर मैं इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका जो टीममेट भी होता है, तो देखना अब यहाँ पर कितनी ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाले, मतलब कि इंटेंस देखना तुम यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं सीधा घुस जाता हूँ, और लिटरली यहाँ पर ऊपर होता है वो बंदा रिवाइव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने उस बंदे को फिनिश किया जिसको मैंने नॉक किया था। और यहाँ पर वो बंदा होता है मुझे थोड़ा बहुत डैमेज भी दे चुका था, तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत पहले हीलिंग कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखना तुम्हारे भाई को ओपिनियन, मतलब किसी बंदा डाउन तो नहीं होता वैसे, लेकिन देखना। और इससे यहाँ पर इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, और ये बंदा नीचे की तरफ कूद जाता है। और यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, और तभी यहाँ पर एक व्हीकल आ जाती है। और यहाँ पे मैं 2 सेकंड वेट करता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर मुझे ये लगा कि इनके जो दो टीममेट है वो कबीर सिंह बनकर यहाँ पर पुश कर दिया हम पे, क्योंकि यार मैंने इन बंदों से फाइट ली और उनको यहाँ पर ये लगा कि किसने टच किया हमारे टीममेट को, और उन्होंने ऐसा बोल के मेरे पे पुश कर दिया हो। लेकिन लिटरली वो बंदे होते यहाँ से भाग जाते हैं वैसे। और फिर मुझे यहाँ पर ये बात पता थी कि ये बंदा होगा वो सीढ़ों के ऊपर ही टीपी लगा मुझे मारने के लिए। और इस बंदे को यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ,
और इसके बाद फिर यहाँ पर इसको नॉक कर देते हैं और यहाँ पर नॉक तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर इसको यहाँ पर सीधा फिनिश किया जाएगा। और पता नहीं इसके जो दो बंदे थे वो पता नहीं कहाँ पे जाकर लूट रहे थे और ये बंदे यहाँ पे आके फाइट ले रहे थे। मतलब ये क्या ही राइमिंग मारी है वैसे, मतलब कि पता नहीं मैच हुआ या फिर नहीं हुआ, लेकिन मार दी मैंने। और फिर मैं यहाँ से व्हीकल उठा के चलता हूँ नए ड्रॉप पर और देखना यहाँ पर क्या ही तबाह होने वाले। वैसे यहाँ पर ज़्यादा बंदे तो नहीं होते लेकिन देखना यहाँ पर इनको कैसे फिनिश करते हैं। और बक्के लेके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि यार यहाँ पर सामने दो बंदे थे, मतलब कि उस वक्त तो मुझे पता नहीं था यहाँ पर कितने बंदे, लेकिन अभी तो मुझे पता है कि यहाँ पर सामने दो बंदे थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ और देखना यहाँ पर काफी ज्यादा साउंड आती है बंदों की, मतलब कि यहाँ पर मुझे फोटेज तो नहीं आते लेकिन यहाँ पर मुझे साउंड आती है कि एक से ज्यादा बंदे और यहाँ पर मुझे शो तो बिल्कुल नहीं हो रहे, तो यार यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। और यहाँ पे मैं बग्गी में बैठ जाता हूँ, लेकिन तभी मेरे माइंड में आता है कि यार यहाँ पर मुझे किल भी चाहिए और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकता हूँ। और देखना यहाँ पर मुझे एक बंदा शो हो जाता है, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ और अब मैं यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ जा सकता था क्योंकि यार मैंने इस बंदे को डैमेज दिया था। और लिटरली यहाँ पे मैं इस बंदों को नॉक करता और इसका जो टीममेट होता वो भी पीछे की तरफ था और इसी को यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया और इसी से स्क्वाड भी वाइप हो जाती है। और लिटरली यहाँ पे मुझे पीछे एक बॉट भैया जी भी मिल जाने वाले हैं तो यहाँ पर इनको फिनिश कर देंगे। और लिटरली यहाँ पे बचा था सिर्फ एक बंदा, मतलब कि यहाँ पे बंदे तो बहुत ज़्यादा बचे थे लेकिन यार आधे से ज़्यादा बंदे तो मतलब कि जोन से मर जाते हैं। और लिटरली यहाँ पे मुझे लास्ट में एक ही बंदा मिलता है और जैसे यहाँ से मैं व्हीकल लेकर निकलता तो यहाँ पर मुझे साउंड और फुटेज भी आ जाते हैं और मुझे पता था कि यार बंदा पीछे ही है, लेकिन ये देखना यहाँ पर ये बंदा कितना ज़्यादा शाटिक था। अब देखो यार मेरे पास आरपीजी थी, वैसे मैं आरपीजी कभी उठाता नहीं हूँ लेकिन यार इस पर मैंने सोचा कि चलो आरपीजी उठा लेते हैं, पता नहीं मतलब कि चला के देखते हैं मतलब कैसे चलता है ये। और लिटिल वो बंदा था वो एस्ट्रोल के लेके रेडी था, तो देखना यहाँ पर मतलब कि वो बंदा कितना ज़्यादा पागल था एस्ट्रोल के चलाने के लिए, तो देखना यहाँ पर। और देख लो वो बंदा होता है वो एस्ट्रोल को चिपका रहा है मेरे को इतने दूर से क्योंकि यार उसके हाथ में एस्ट्रोल के था और यहाँ पे मैंने उसको काफ़ी सारे डैमेज दे दिया। और जब तक वो अपने हाथ में एम4 लेता तब तक मैंने उसकी पेटी बना ली और भाई इसी तरह हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। और हाँ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, चैनल पर नए मतलब कि कहीं से आगे घूमते फिरते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और हम सब फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो या फिर गेम प्ले में। बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way.